कांग्रेस ने राज्यसभा चुनाव के लिए प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है। छत्तीसगढ़ से राजीव शुक्ला और रंजीता रंजन को कांग्रेस आलाकमान ने यहां पर प्रत्याशी बना दिया है। वहीं राज्यसभा प्रत्याशियों की घोषणा के बाद छत्तीसगढ़ कांग्रेस प्रभारी पीएल पुनिया ने क्या कहा, वो भी आपको सुना देते हैं। पार्टी ने राज्यसभा के उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है। हमारे साथ छत्तीसगढ़ कांग्रेस के प्रभारी पीएल पुनिया हैं। सर, सोनिया गांधी से मुलाकात में ही आपने साफ कर दिया था कि सोनिया गांधी जिसको तय करेंगी वही उम्मीदवार होगा। ये हमेशा परंपरा भी रही है और हकीकत भी है। हर प्रदेश की तरफ से यही निर्णय होता है कि कांग्रेस प्रेसिडेंट उसमें स्वयं निर्णय लें और उनको अधिकृत किया जाता है और वो सभी तथ्यों को ध्यान में रखते हुए न केवल उस प्रदेश को बल्कि पूरे हिंदुस्तान भर में पूरी पार्टी को आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए वो अपना निर्णय लेती हैं। तो उन्होंने अपने निर्णय लिए। कई बार नहीं, हमेशा ऐसा देखने में आता है कि कई लोग दावेदार होते हैं राज्यसभा की सीट को लेकर, क्योंकि जैसे ही नामों का ऐलान हुआ हमने देखा कि पवन खेरा ने कहा कि शायद मेरी तपस्या में कोई कमी रह गई। ऐसे तपस्या में कमी रहने वालों की सूची तादाद काफ़ी ज़्यादा है। देखिए, राज्यसभा के सीटों की संख्या तो बहुत कम है और हर दूसरा व्यक्ति अगर पूछेंगे तो वो मन में इच्छा रखता है कि राज्यसभा के सदस्य बन जाए, क्योंकि ना तो इसमें चुनाव लड़ना है ना खर्चा होना है, ये सब घर में बैठे हुए और पार्लियामेंट में पहुंच जाते हैं, पार्लियामेंट मेंबर बन जाते हैं, तो ये अपनी जगह है। लेकिन कांग्रेस प्रेसिडेंट को तो सभी का ध्यान में रखते हुए और ये ध्यान में रखते हुए कि कितनी बहुत ही सीमित संख्या राज्यसभा के सदस्यों की रिक्तियों की होती हैं, उसी के लिए निर्णय लेना होता है। आपको लगता है कि ऐसा पहली बार हुआ है या अमूमन कम होता है कि राज्यसभा के जितने भी राज्य हैं, चाहे हरियाणा हो, छत्तीसगढ़ हो, महाराष्ट्र हो, सब में लोकल की बजाय जो बाहर के उम्मीदवार हैं उनको तरजीह दी गई? मैं तो नहीं समझता हूँ कि कोई बहुत बड़ा विचलन इस बार हुआ हो। पहले भी ऐसे ही होता रहा है और मैं समझता हूँ कि इसमें कोई अंतर नहीं है। जैसे कि मैंने पहले कहा कि कांग्रेस प्रेसिडेंट को तो विशेष रूप से पूरे हिंदुस्तान भर के पूरी पार्टी की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए ये निर्णय लेना पड़ता है, तो उन्होंने निर्णय लिया है। आखिरी सवाल की, जो नाराज़गी अगर कहीं भी दिखाई दे रही है वो जल्द ख़त्म हो जाएगी? नाराज़गी की इसमें कोई बात ही नहीं है, क्योंकि सबको मालूम है कि सीमित संख्या में जगह हैं और उससे ज़्यादा हो नहीं सकते, और जिनको इसमें नामित किया है, कैंडिडेट का चयन किया है, वो भी एक अच्छे पार्टी के समर्पित कार्यकर्ता के रूप में हैं, तो इसलिए किसी को शिकायत तो नहीं होनी चाहिए। धन्यवाद बातचीत करने के लिए। कैमरा पर्सन जहांगीर के साथ रमन कुमार, दिल्ली, न्यूज़ 24।